सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, अपने फ़ोन में अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, अपने फ़ोन में अपने फेसबुक को ओपन करना होगा। अब जैसे ही अपने फ़ोन में फेसबुक को ओपन करेंगे उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जो भी अकाउंट आपको डिलीट करना वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको जो है, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करेंगे साथ ही साथ उसके अंदर जो भी आपने उसमें जो फेसबुक पेज बनाए होंगे वो भी साथ में डिलीट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, आपको ऊपर की साइड में सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस पेज पर आ जाएंगे और अगर यहां से बैक करेंगे और नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको जो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप जो ऊपर की साइड में सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहां पर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर से इसी पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, उसके बाद एक तो यहां पर सी मोर इन अकाउंट सेंटर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद एक तो यहाँ पर इस तरह का जो पेज आ जाएगा, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और नीचे की साइड में आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पर इसे हाइड करके रखा हुआ। उसके बाद एक तो अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल यहाँ पर नीचे की साइड में लिखा होगा तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरा अकाउंट है तो वो भी यहाँ से आप स्विच करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो कर सकते हैं। तो मेरा ये वाला ही अकाउंट है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्प्रोरी, तो यहाँ पर टेम्प्रोरी अगर आपको डिलीट करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर परमानेंटली डिलीट करना है तो वो भी यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम स्विच करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे कंटिन्यू वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके अकाउंट के साथ में जो भी फेसबुक पेज बने होंगे वो भी साथ में डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो फेसबुक पेज बना हुआ है एक इस अकाउंट के साथ में, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बता रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक रीज़न देना पड़ेगा क्यों आप अपने अकाउंट को जो डिलीट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक रीज़न दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे उसके अपने नीचे के साइड में जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो यहां पर आपको जो है टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक, तो यहां पर हम इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर ये बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो डिलीट करने से पहले अगर आप यहां से कोई डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो अपना डेटा वगैरह तो यहां से आप कर सकते हो, अपनी डिटेल सेव करना चाहते हो तो वो यहां से आप जो कर पाएंगे, जो भी करना आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हम कंटिन्यू पे नीचे की साइड में यहां पर जो क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर हमें अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहां पर डाल देना है। अगर आपको नहीं पता तो यहां से आप फॉरगेट भी कर सकते हो। और अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो कैसे पता करेंगे इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना पासवर्ड जो पता कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहां पर अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर लेता हूं। तो गाइस, यहां पर मैंने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहां पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर ये बता रहा है कंफर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीशन, तो यहां पर अगर आप अपना जो अकाउंट है यहां पर ये बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो गलती से डिलीट हो चुका है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो 30 दिन के अंदर अगर आप अपने अकाउंट को फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट जो परमानेंटली डिलीट आप खुद से करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन नहीं करना, 30 दिन के बाद ही आप ट्राई कर सकते हो, तो आपका जो अकाउंट रहेगा वो सक्सेसफुली आपके फोन से जो है डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना अकाउंट जो कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 30 दिनों तक आपको अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन फिर से नहीं करना है। तो चलिए यहां पर हम डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे यहां पर हम डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर थोड़ा सा हमें वेट करना है, उसके बाद यहां पर आपका जो अकाउंट रहेगा यहां से डिलीट हो जाएगा। देखो, तो यहां पर मेरे फोन से जो है मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका। अब 30 दिनों तक मुझे इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, उसके बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं।